Hello students, welcome back. So we were solving those questions which came in previous year GATE examination related to linear algebra and matrix determinant, eigenvalue, eigenvectors. So in continuation to that, this is question number 11. So let's see what it says. For the transformation shown below, if one of the eigenvalue is 6, the other eigenvalue of the matrix is. So आपके पास ये system of equation दिया है and आपको कहा गया है कि आप एक eigenvalue आपके पास है 6, दूसरा eigenvalue निकालिए. तो इस usually मैं अपने आपको जो videos हैं उसमें आप लोगों को दो तरीके बताता हूँ, एक short trick से और दूसरा in general way में. तो पहले short trick देख लेते हैं. short trick में क्या है कि एक आइगन वैल्यू 6 है, दूसरा आइगन वैल्यू निकालना है. तो मैंने आप लोगों को कहा था दो स्टेटमेंट आप याद रखना है आप लोगों को. पहला स्टेटमेंट था कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, एंड सेकंड इज डिटरमिनेंट ऑफ द आइगन डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज. ठीक है. सो इसमें आप लोगों को एक आइगन वैल्यू 6 दिया है, दूसरा आप लोगों को निकालना है. सो हमें पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. एक आइगन वैल्यू आपका 6 है, दूसरा आइगन वैल्यू आप मान लो उसको लैम्डा है, तो लैम्डा प्लस 6 करूंगा तो किसके इक्वल आना चाहिए, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 5 प्लस 2. ठीक है, तो लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 5 प्लस 2, ये आ गया. 5 प्लस 2 कितना होता है, 7. सो आप 6 को राइट हैंड साइड ले जाइए, या ऐसे कह सकते हैं कि माइनस 6 यू ऐड बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 6. सो लैम्डा क्या आ गया, 1. सो योर आंसर इज 1. ठीक है, इसका ये था शॉर्ट ट्रिक. अब इन जनरल वे में जब आप करोगे इसको तो कैसे करोगे, मैंने आप लोगों को बताया दिस एक्स इज different from this x. So ये capital X क्या है, ये lambda times of small x है. capital Y क्या है, ये lambda times of small y है. तो characteristic equation आपका क्या बनेगा, characteristic equation उसी time बनेगा जब ax equal to lambda x हो. तो ये रहा a, this is x, और मैंने आपको बता दिया capital और capital Y या capital X क्या है. so वो जाएगा lambda into this x. so इसका characteristic equation क्या बनेगा, a माइनस लेमडा आई. ठीक है, इस एक दिस इज a, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, a माइनस लेमडा आई. और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज, और वही मुझे चाहिए. सो a आपके पास ये है, आप यहाँ से देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ आई. आई में सॉरी यहाँ पे 1 आएगा. ठीक है, दिस इज 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों को पता है ना क्या होता है, 1 0 0 1, ये गलती से यहाँ 0 हो गया. ठीक है, इट शुड बी 1, सॉरी फॉर दैट. सो आप फिर क्या करोगे, 5 माइनस लेमडा. ठीक है, माइनस 2 माइनस लेमडा इंटू 0 0, सो इट विल माइनस 2, माइनस 2 माइनस लेमडा इंटू 0, सो दैट विल बी माइनस 2, एंड 2 माइनस लेमडा इंटू 0, सॉरी इट शुड बी 1. ओके, सो इट इज़ 1. सो लेमडा 2 माइनस लेमडा इज 2 माइनस लेमडा. ओके, सो इसका डिटरमिनेंट निकालना है. डिटरमिनेंट क्या होगा, 5 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 4. ओके, सो ये आ गया आपके पास. अब इसको ओपन करोगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10. ठीक है, 5 क्रॉस 2 10 माइनस 6, सो 10 माइनस 6 इज सॉरी माइनस 4, 10 माइनस 4 इज 6. सो यू हैव दिस इक्वेशन. सो इसको स्प्लिट कर दो तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 6 और 1. ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू 6 था ही, दूसरा आपको निकल गया है 1. तो बेसिकली एक्चुअली ये क्वेश्चन ने पूछा है कि एक आइगन वैल्यू दिया है आपको, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि आप ये तरीका अपनाओ. लेकिन अगर आपको ये तरीका नहीं आता है शॉर्ट ट्रिक का, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, देयर इज नॉट एन इशू. आपको कैसे भी करके आंसर लाना है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी होगा, और गेट में आप लोगों को पता है कि थोड़ा क्विक रिजल्ट लाना है, तो इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, सो मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. हम लोग लीनियर अलजेब्रा का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं. इससे पहले हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं,
मैं यहाँ आई बटन पे आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, और वीडियो के एंड में भी उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी आप बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा वो करने के लिए, सो उसका आंसर भी आप लोग बताइएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सभी वीडियोस पिछले वीडियोस का लिंक दे दूंगा, बिकॉज दिस इज़ लीनियर अलजेब्रा पार्ट 4, सो 1, 2, 3 का मैं देख लूँगा, वो भी देख लेना, उसमें भी ट्रिक्स हैं। बेसिकली पार्ट फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है, अभी फोर्थ जो चल रहा है उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो एक इंट्रोडक्शन आप लोग को दे देता हूँ फिर से। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? को फैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ये सब आप लोगों को पता होगा। आइगन वैल्यूज़ के लिए आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, जिसमें लेमडा क्या होता है? आइगन वैल्यूज़, और एक्स इज आइगन वैक्टर करस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू लेमडा। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी फर्स्ट क्वेश्चन में इस वीडियो में किया था, ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। आप लोगों को चार चीज़ें इसमें याद रखनी है। केले हैमिल्टन थ्योरम आप लोगों को पता है क्या है, मैट्रिक्स सेटिस्फाइड्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक अल्जेब्रिक इक्वेशन होगी, उस अल्जेब्रिक इक्वेशन में लैम्डा की प्लेस पे अगर हम ए सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यही केले हैमिल्टन थ्योरम कहता है। सेकेंड आपको याद रखना है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था। थर्ड आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और चौथा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अगर आइगन वैल्यूज ए है के हैं तो लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर किसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे? लैम्डा स्क्वायर के। या आप ऐसे करो, लैम्डा 1 रेस्ट टू द पावर एन, लैम्डा 2 रेस्ट टू द पावर एन, लैम्डा 3 रेस्ट टू द पावर एन किसके आइगन वैल्यूज बन जाएंगे? ए रेस्ट टू द एन के, ठीक है। इसी तरह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो दिस इज अपर ट्रायंगुलर, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसका रिपीटिशन हो रहा है। डिटर्मिनेंट आपको पता ही है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ क्या होते हैं? आइगन वैल्यूज ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। सो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं यहाँ पे? a11, a22, a33, तो यही आपके आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं, कितने होंगे डिस्टिंक्ट, और ये आया हुआ है गेट 2019 ECE में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आया हुआ है क्वेश्चन, गेट 2019 में मीन्स इसी साल आया हुआ है क्वेश्चन। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे बताइए। अभी जस्ट मैंने कहा आपको, एक इंट्रोडक्शन दिया था अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो आप ध्यान दोगे कि दिस इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और इसके आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं, तो ये अभी मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ कौन से होंगे? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यही मैंने आप लोगों को पहले बताया था। नहीं आ रहा समझ में तो ये पीछे देख लो। ये रहे आपका, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब दिस वन, ठीक है, इसके आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे? दी डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? a11, a22, a33, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो पहले ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? ए इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज डायगोनल एलिमेंट्स, सो डायगोनल एलिमेंट्स आइगन वैल्यूज हैं, तो आइगन वैल्यूज क्या हो गए? 2, 1, 3, 2, ठीक है, 2, 1, 3, 2। अब उसने पूछा था कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आइगन वैल्यूज कितने हैं, तो 2, 1, 3 और 2, यहाँ 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही काउंट कर लेंगे। तो बेसिकली ये पूछ रहा है सेट कितने हुए, सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, सेट तो ये कितने हो गए? 1, 2 एंड 3, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितने हैं? 3। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। अगर आप लोगों को मतलब इन जनरल वे में जाना है तो आपको आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा अगेन, तो आइगन वैल्यू आप निकालोगे, ये दिस इज़ योर ए, फिर आप ए माइनस लेमडा ही निकालोगे। ए माइनस लेमडा ही में आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस लेमडा ओनली आ जाता है, तो अब इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपके पास केवल प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ दीज आइगन वैल्यूज आएगा, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ये भी जस्ट अभी बताया था। तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया, इक्वल टू आपने ज़ीरो कर दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2132। यहाँ से भी आप लोगों को ये पता लग रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितने हैं, 3। सो इसका आंसर आ गया 3, ठीक है। सो सिंपल सी कहानी है। इक्वेशन नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए आप लोगों को बताना है ए ए ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है। तो आपको इस इन जनरल वे में आप करोगे तो आपको करना पड़ेगा प्रोडक्ट, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है पहले ये बताओ, ट्रांसपोज क्या होता है, अगर ये दिस इज द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को मैं कॉलम ले लूँगा, रो को कॉलम, ऑल रो विल चेंज टू कॉलम, या कह ये भी कह सकते कि ऑल कॉलम आर चेंज टू रोज, ठीक है। तो उस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो एक शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या होगा, इसमें हमें पता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज के। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ए डॉट ए ट्रांसपोज जो है वो हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आप अच्छा होगा कि आप क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक होगा ये श्योर है, तो जो अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो वो ऑप्शन आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन देख लो, इसमें क्या है, सिमेट्रिक क्या होता है, A12 इज इक्वल टू A21 या AIJ इज इक्वल टू AJI। मैं फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो था इसका, मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है, उसमें देख लेना आप लोग, ठीक है। ये आई बटन में मैं वो दे दूंगा वीडियोज़ उसके, ठीक है, और एंड स्क्रीन पे भी उसके वीडियो दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे आपके देखो कौन कौन से सिमेट्रिक है, जैसे A12 मीन्स 5 है, यहाँ पे A21 5 है, तो ये तो सही है। यहाँ पे A13 क्या है, 6, सो A31 यहाँ पर क्या है, 5, सो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक। सेकंड पे आओ, A12 क्या है, A21 ये तो सही है, A13 A31, सो ये 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सी पे आओ, 6 5 5 6 6, A13 A31 इसमें सही है, A235 है, A326 है, तो ये भी गलत, ठीक है, तो सी भी गलत है। अब लास्ट ऑप्शन ये देख लेते हैं, A125 A215 A136 A316 A236 A32 इज ऑल्सो 6, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, डी, ठीक है, क्योंकि ए ए डैश हमेशा ऑलवेज क्या होता है, सिमेट्रिक, तो ऑब्वियसली हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली ए बी सी तो कैंसिल हो गया, आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। ये तो था शॉर्ट ट्रिक। अब करना चाहोगे इन जनरल वे में, तो ए ले लो, फिर उसके बाद आप इसका ए ट्रांसपोज कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, दैट रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ठीक है। मीन्स A11 पोजिशन के लिए क्या होगा, 1 × 1 प्लस 1 1 प्लस 2.2, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए क्या करेंगे, 1.2 प्लस 1.1 प्लस 2.2, 2.1 सॉरी, ओके, देन 1.1 प्लस 1.1 प्लस 2.2, ठीक। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, ठीक, एक दो जगह मिस्टेक है, दैट यू कैन सी। आप लोगों को पता होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा है, लिखने में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, मेक श्योर। सो नाउ 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2, ठीक है, ये सही है, 2 × 2 डॉट 1 × 1 डॉट 1 × 1, ये भी सही है, देन 2 × 1 डॉट 1 × 1 डॉट 1 × 2, दिस इज ऑल्सो ट्रू, देन 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 2, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, देन 1 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 1, ओके,
देन वन क्रॉस वन प्लस वन क्रॉस वन प्लस टू क्रॉस टू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको वन कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। सो मल्टीप्लाई किया आपके पास, सो वन प्लस वन प्लस टू दैट इज सॉरी फोर दैट इज सिक्स, टू प्लस वन प्लस टू दैट इज फाइव, दिस इज वन प्लस फोर दैट इज सिक्स, एंड सिमिलरली यू कैन काउंट। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। सो ये आपका जनरल वे था, ये आपका शॉर्ट ट्रिक था, कोई भी आपको यूज़ करना चाहे भी प्रेफर रहेगा आप ये यूज़ करो, क्योंकि आपको गेट एग्जाम में थोड़ा क्विक करना पड़ता है, ठीक है। सो एक और नोट है यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन अपियर इन एनी कम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। कोई भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, लीनियर जेब्रा के मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें इसमें भी स्मॉल ट्रिक देखेंगे लगता है कि नहीं लगता, लेकिन इसमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ये वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। सो एक मैट्रिक्स पी दे रखा है हुज आइगन वेक्टर्स आर, इसमें आइगन वेक्टर के बारे में बोला है, आइगन वैल्यूज़ के बारे में नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन आया है गेट 2018 सीएससी में, ठीक है। गेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, सीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सो क्या है क्वेश्चन, कंसिडर मैट्रिक्स पी हुज ओनली आइगन वैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 1 4, मतलब आइगन वेक्टर्स इसके जितने हैं वो 1 4 के मल्टीपल हैं, तो इसका यहाँ पर देखो 1 4 है, सो ये कितने ऑर्डर का हुआ, वन सॉरी 2 क्रॉस 1, तो ऑब्वियसली ये जो मैट्रिक्स ए होगा इसका वो कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी डज नॉट हैव एन इनवर्स, पी हैज़ अ रिपीटेड आइगन वैल्यूज, पी कैन नॉट बी डायगोनलाइजेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 1 एंड 3, ओनली 2, 1 एंड 3, 1 एंड 2 आर नेसेसरीली टू, 2 एंड 3 आर नेसेसरीली टू। अब यहाँ पे दिखा है नेसेसरीली ट्रू, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस कंडीशन के लिए इट मस्ट फॉलो, कौन सा कंडीशन जो है इट मस्ट फॉलो। सो लेट्स सी, आपके पास दिया हुआ है कि मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स जो पी है उसके आइगन वेक्टर्स जो हैं वो मल्टीपल्स हैं किसके, 1 4 के, ठीक है। तो मींस ए अगर आइगन वेक्टर 1 4 है तो दूसरा आइगन वेक्टर क्या होगा, 2 4, क्योंकि आइगन वेक्टर आपके इट इज़ ऑब्वियस दैट देयर विल बी 2 आइगन वेक्टर ओनली, ठीक है। सो एक आइगन वेक्टर 1 4 है तो दूसरा आइगन वेक्टर या तो 1 4 है तो दूसरा आइगन वेक्टर क्या हो सकता है, 2 8 या फिर 3 12 लाइक, ठीक है। सो इससे एक चीज़ तो पता लग रही है क्या, कि बी पार्ट इसमें सही हो सकता है, क्यों, कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के लिए, अगर आइगन वैल्यूज़ का अगर अलग होता, बिकॉज यहाँ बोला है ना रिपीटेड आइगन वैल्यूज़, तो अगर आइगन वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट होता तो ऑब्वियसली इसके जो आइगन वेक्टर आते हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अब इसके आइगन वैल्यू अगर जैसे 1 4 का मल्टीपल है, तो 1 4 और 2 8 मान लो, ठीक है, तो वो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुए, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। लेकिन अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट होते, सपोज अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट है तो आइगन वेक्टर्स उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ना कि लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं आप लोगों को, इसका मतलब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है, तो ध्यान दो इसमें। डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है, डिफरेंट आइगन वैक्टर्स, ठीक है। डिफरेंट आइगन वैक्टर मतलब कि जैसे डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स होंगे, सॉरी इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, तो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जो होगा इस केस में क्या होगा, 1 4, उसने बोला आइगन वेक्टर क्या है, मल्टीपल ऑफ 1 4, तो इसका मतलब इस जितने आइगन वेक्टर हैं वो क्या है, लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं, तो लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं, तो इसका एक यही केस हो सकता है कि जो आइगन वैल्यूज हो वो सेम हो, ठीक है। आइगन वैल्यू सेम होगा तो ही उसके आइगन वेक्टर्स जो हैं क्या करेंगे, मल्टीपल हो सकते हैं,
ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए आपके पास जो आइगन वेक्टर निकलते हैं वो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर आइगन वैल्यू सेम हुआ देन ओनली इट इज़ पॉसिबल दैट आइगन वेक्टर जो होंगे वो मल्टीपल होंगे, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है इसका ट्रू है, ठीक है, मीन्स रिपीटेड आइगन वैल्यूज होंगे, मतलब दोनों दो आइगन वेक्टर होंगे इसमें, दो आइगन वैल्यूज होंगे क्योंकि 2x2 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स होगा ए, तो पर सेकेंड ऑप्शन तो आपका ट्रू हो गया, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट पे, देखो अब उसने बोला है कि ये, इससे आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि दो आइगन वेक्टर्स जो हैं वो दोनों सेम हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। पहला उसने बोला है कि पी डज नॉट हैव इनवर्स, अब पी इनवर्स कब नहीं होगा भाई, पी डज नॉट हैव इनवर्स, पी इनवर्स उस समय नहीं होगा अगर जो पी मैट्रिक्स पी है वो सिंगुलर हो, तभी तो उसका पी इनवर्स नहीं आएगा, क्योंकि इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी अगर नॉन जीरो होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि पी डज नॉट हैव इनवर्स, उसका कोई अगर इस तरह का कंडीशन है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, देखते हैं। अगर इनवर्स मान लो इसके कहने पे चलते हैं, सुपोज सुपोज इसने कहा है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एग्जिस्ट अगर नहीं करता है इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या होगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, याद है ना, ए इनवर्स के पी इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए फिर एडजॉइंट ऑफ ए, तो वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब सपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो वन अपॉन जीरो आ गया ना, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, सो तभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो पी उसी समय एग्जिस्ट करेगा अगर वो इन्वर्टिबल है, अगर सपोज अगर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और पी का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो, और अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो मैंने आपको भी क्या बोला था कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के, तो वन ऑफ दी आइगन वैल्यूज का तो इट इज़ श्योर दैट वन ऑफ दी आइगन वैल्यूज जीरो, ठीक है, अब एक आइगन वैल्यू जीरो है और बी पार्ट में आपने देखा था कि दोनों आइगन वैल्यू सेम होने चाहिए, दिस कंडीशन इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, सो इसका मतलब है कि दोनों आइगन वैल्यूज जो हैं वो दोनों ही के दोनों जीरो हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट वे कि अगर दोनों रिपीटेड हैं बाई टू, दिस टू अगर दोनों आइगन वैल्यूज सेम हैं तो इनमें से इसने कहा है कि एक आइगन वैल्यू जीरो होगा तो 100% दूसरा वैल्यू भी जीरो होगा, अब दूसरा भी जीरो है इसका मतलब पी कैसा होगा, नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स का वेक्टर जो होता है वो तो जीरो जीरो ही होगा, वो तो नॉन जीरो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/4, तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हैंस जो फर्स्ट है ये क्या हो गया, फेल, मतलब ये ज़रूरी नहीं, इन नेसेसरी इट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू, इट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू, इसीलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा वे में आप ये सोच सकते हो, सेकंड वे जो आपका, क्योंकि डिफरेंट वेज है, आप डिफरेंट वेज से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसका दूसरा वे आप सोच सकते हो कि यार आइगन वैल्यूज़ तो सेम है ये तो श्योर है, ठीक है, तो इसके आइगन वैल्यूज़ 2-2 भी हो सकता है, 1-1 भी हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ना है कि आइगन वैल्यू 1-0 ही हो, इसीलिए इसीलिए आपका जो ये ऑप्शन 1 है वो गलत हो जाता है, ठीक है, और आइगन वैल्यू अगर 0-2 आया तो 2-2 या 3-3 या 1-1 आएगा तो ऑब्वियसली इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, पी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट उसका उसका नॉन जीरो होगा, ठीक है, तो इस वे से भी आप सोच सकते हो, तो इस केस से भी आपका फर्स्ट जो है वो फेल हो गया, ठीक। अब आते हैं थर्ड पे, अब इसने कहा है कि पी कैन नॉट बी डायगोनलाइजेबल, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, तो ये भी चेक करना पड़ेगा, हमें पता है कि आइगन वैल्यूज़ अगर डिफरेंट हो गए तो मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनलाइजेबल, एक स्टेटमेंट तो ये होती है, दूसरा होता है कि अगर अल्जेब्राइक मीन किसके इक्वल है, ज्योमेट्रिक मीन के, तो डायगोनलाइजेबल होगा, अल्जेब्राइक मीन क्या होता है, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, नंबर ऑफ आइगन वैक्टर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स, सो आपके पास नंबर ऑफ अल्जेब्राइक मीन कितना आ रहा है, अल्जेब्राइक मीन है 2, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू मान लो जो भी है 1 है या 2 है, कोई कुछ भी लैम्डा है तो 2 बार रिपीट है, तो उसके अल्जेब्राइक मीन हो गया 2, ठीक है,
और ज्योमेट्रिक मीन क्या हुआ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो केवल 1/4 ही है, क्योंकि दूसरा जो वेक्टर है वो तो इसका मल्टीपल है, वो तो डिपेंड कर रहा है। तो इसका सीधा साधा मतलब है कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता, और यही यहाँ 3 में कहा है कि डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब थर्ड भी सही हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, अब ये तो था ओवरव्यू। अब फिर से थोड़ा क्विक देख लेते हैं। आइगन वेक्टर्स आर यू नो मल्टीपल ऑफ 1/4, इसका मतलब आइगन वैल्यूज तो सेम है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है कि पी कैन नॉट बी डायगोनलाइजेबल, क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है? हमें पता है नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स के, मतलब अल्जेब्रिक मीन जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन के, तो ही डायगोनलाइजेबल होगा। लेकिन हमारा अल्जेब्रिक मीन कितना निकल रहा है, 2, क्योंकि आइगन वैल्यूज तो रिपीट हो रहे हैं, तो 2 ही आइगन वैल्यूज होंगे, तो उसका अल्जेब्रिक मीन हो गया 2। लेकिन आइगन वेक्टर क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना आ रहा है, 1, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो पी जो है वो डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता, और यही एक स्टेटमेंट 3 कह रहा है, तो 3 हो गया ट्रू। तो सेकेंड आपका फर्स्ट हो गया रॉन्ग, सेकेंड हो गया ट्रू, थर्ड हो गया ट्रू। सो आपका ABCD में से कौन से ऑप्शन में सेकेंड और थ्री ट्रू है, डी। ठीक है, सो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, सो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, ओके, डोंट फॉरगेट इट। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में क्या कहा है कि इनवर्स निकालना है। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस, दिस मैट्रिक्स का इनवर्स ABCD दे रखा है, अब इसमें से इनवर्स आपका निकालना है, क्या करोगे बताओ। तो एक तरीक, इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले शॉर्ट ट्रिक देखना है तो आप देख सकते हो। पहले इन जनरल बता देते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए दे रखा है आपका और आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, पहले ए का डिटरमिनेंट निकालोगे। ठीक है, डिटरमिनेंट आप निकाल लेना, उसके बाद क्या है, आप एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स, जैसे 2, इस पोजीशन का कोफैक्टर क्या होता है, क्या हुआ, 3 क्रॉस 4, 12, 12 माइनस 2 10, सो यहाँ आ गया 10। ठीक है, देन ये ऑड पोजीशन पे है तो माइनस, माइनस टाइम्स ऑफ इसका कोफैक्टर क्या है, 4 4 जै 16, -1 15, सो -15। ठीक है, सिमिलरली यह आ जाएगा 8 -3 5। ठीक, उसी तरह ये सभी कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। सो और ए इनवर्स क्या होता है, 1/determinant × एडजॉइंट, सो 1/determinant − 5, एडजॉइंट ये है आपका, सो आपके पास आ गया, ट्रांसपोज कर दोगे इसके आप तो रो जो है वो कॉलम बन जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, सो यू विल हैव दिस। और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन आपका बी है, सो बी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक आपको ये देखना है कि आपको ये ध्यान दो, यहाँ पे A × A इनवर्स क्या होता है, I। ठीक है, एक अगर किसी A को उसके इनवर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, I। ठीक है, सो 1 इसका I क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको पता है। ठीक है, सो इसका मतलब फर्स्ट A11 पोजीशन यहाँ पे क्या है, 1, तो मतलब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो इसका A11 पोजीशन क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप A का फर्स्ट रो और हर ऑप्शन के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो और आप चेक करो कि क्या वो 1 आ रहा है, अगर वो 1 आ रहा है तो उनमें से कोई पॉसिबल आंसर है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, ए में 2 क्रॉस 2 + 3 क्रॉस -3 + 4 क्रॉस 1, सो ये आपके पास क्या है, -1। ठीक है, लेट्स चेक बी, बी क्या है, 2 क्रॉस -2 3 क्रॉस 3 एंड 4 क्रॉस -1, ये आपके पास आया 1, सो बी के होने के अभी चांस हैं। सी, सी ऑप्शन में क्या आएगा, 2 क्रॉस 10 - 3 क्रॉस 15 + 4 क्रॉस 5, ये क्या आ जाएगा आपके पास, -5। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। डी क्या आएगा आपका, 2 क्रॉस -10 3 क्रॉस 15 4 क्रॉस -5, सो ये भी आया 5।
आप देखो ए वन वन पोजिशन आपके ए बी सी डी में क्या आ रहा है, इसमें माइनस वन वन फाइव माइनस फाइव और फाइव। सो वन केवल किस ऑप्शन में आ रहा है, बी में। सो आंसर क्या हो गया इसका, बी। ठीक है, सो ये आपका शॉर्ट ट्रिक था। ठीक है, सो आंसर इज़ योर करेक्ट आंसर इज़ बी। ठीक, ये आधा घंटा हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले क्वेश्चन करेंगे। सो टिल देन आप ये प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक 2x2 मैट्रिक्स है जो कि एम इज इक्वल टू वी वन वी टू है। वी वन वी टू कुछ नहीं है, इसका कॉलम वेक्टर है। एम इनवर्स दे रखा है, तो दो स्टेटमेंट आपको दी है, आप लोगों को बताना है कि स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही है। दोनों सही हैं कि एक सही है, या एक गलत है एक सही है, या एक सही है गलत है, आप देख लेना। ठीक है, सो यहाँ पर वीडियो ये ख़त्म होता है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डिडन सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है एज़ वेल एज़ मेहनत भी लगती है। सो मेहनत को थोड़ी अप्रिशिएशन तो मिलनी चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर में गेट में आया हुआ है। अगर आप लोगों के पास भी, हाँ आप लोगों के पास भी अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ यू कैन मेल मी, मेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दे दूंगा अपना। ठीक है, तो आप वहाँ से कॉपी कीजिए मेल आईडी, पेस्ट कीजिए अपने मेल आईडी मींस मुझे मेल कीजिएगा, वॉट एवर यू कैन सी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।